दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप किस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना की ग्रामीण लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं, और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2023 की लिस्ट में घर बैठे ही अपना नाम चेक कर सकते हैं। आवास योजना की लिस्ट में आप लोग दो तरह से नाम चेक कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप सिर्फ अपना आधार नंबर डाल करके अपना नाम चेक कर सकते हैं कि आपके नाम पर 2023 में कोई भी आवास आया है या फिर नहीं आया है। और दूसरा तरीका यह है कि अगर आपने पहले कभी भी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया था या फिर आपने किसी के भी माध्यम से आवास योजना के लिए अप्लाई करवाया था, तो आप लोग वहां पर सिर्फ अपना नाम डाल करके और कुछ बेसिक सी डिटेल फिल करके अपना नाम ऑनलाइन ही चेक कर सकते हैं। सो इस वीडियो में मैं आपको दोनों ही तरीके बताने वाला हूं कि आप आधार नंबर डाल करके किस तरह से अपना नाम चेक कर सकते हैं और अपना नाम डाल करके किस तरह से अपना नाम ऑनलाइन ही चेक कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण या फिर आवास योजना शहरी के लिए अप्लाई नहीं किया है तो आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। मैंने दोनों ही वीडियो बनाई हुई हैं और दोनों का ही लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो किस तरह से आपको आवास योजना की न्यू लिस्ट में अपना नाम चेक करना है, चलिए जान लेते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप इस वाली वेबसाइट पर आ जाएंगे, या फिर आपको अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप के किसी भी ब्राउजर में टाइप करना है जानकारीपुर तो भी आप लोग इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ नीचे की साइड में आना है और फर्स्ट नंबर पर ही आपको यहाँ पर पोस्ट देखने को मिल जाएगी, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी न्यू लिस्ट। तो आपको इसी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे इसके बाद यहाँ पर आवास योजना शहरी से रिलेटेड कंप्लीट आर्टिकल लिखा हुआ है, आप चाहें तो इसे रीड कर सकते हैं। कुछ नीचे की साइड में आएंगे, यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह लिखी हुई है कि किन किन लोगों का नाम इस लिस्ट में आया है। इसके बाद यहाँ पर और नीचे की साइड में आएंगे और आप लोग ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर YouTube वीडियो का लिंक भी देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको करना क्या है, कुछ नीचे की साइड में आना है और आपको यहाँ पर वेबसाइट लिंक का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे तो आप प्रधानमंत्री आवास योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। और मैं आपको बताने वाला हूँ डायरेक्ट तरीका, तो डायरेक्ट लिंक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, डायरेक्ट लिंक क्लिक हेयर। तो क्लिक हेयर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा, और अगर आप लोग वेबसाइट लिंक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। तो डायरेक्ट लिंक वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे, अब यहां पर आपको अपना आधार नंबर एंटर कर देना है या फिर आपने जिसके भी नाम से प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन किया था उसका आधार नंबर आपको यहां पर एंटर कर देना है। अगर आपको नहीं पता है कि किसके नाम से यहां पर हमारा आवास आया हुआ है तो आप चाहें कितने भी लोगों के आधार नंबर डाल करके शो कर सकते हैं, जिसके भी नाम से आया होगा उसकी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो जैसे कि मैं यहां पर आधार नंबर डाल करके शो वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देता हूं, और जैसे ही आप शो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इसके बाद आप यहां पर देख सकते हो बेनिफिशियरी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। सबसे पहले आपके आधार कार्ड के लास्ट के 6 डिजिट आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे बेनिफिशियरी स्टेटस, यहाँ पर दिखा रहा है नो डुप्लीकेट। इसका मतलब यह है कि पहले कभी भी आपने इस योजना के लिए अप्लाई नहीं किया है और आपका जो स्टेटस है वो डुप्लीकेट नहीं दिखा रहा है। इसके बाद आपको BLC देखने को मिल जाएगा और आपकी बेनिफिशियरी ID देखने को मिल जाएगी। साथ ही आपको यहाँ पर बेनिफिशियरी का नाम देखने को मिल जाएगा, इसके बाद फादर नेम, जेंडर, और इसके बाद यहाँ पर प्रोजेक्ट नेम भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर बेनिफिशियरी फैमिली और डेट ऑफ अटैचमेंट, यानी कि आपका जो नाम है वो कौन सी ईयर में आया है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो अगर दोस्तों आप अपना स्टेटस चेक कर रहे हैं और कुछ इस तरह से डिटेल आपकी शो हो रही है तो इसका मतलब ये है कि आपके नाम से आवास आया हुआ है और आपको इसका लाभ मिलेगा। और अगर दोस्तों वहाँ पर नोट रिकॉर्ड फोन लिख के आ रहा है या फिर और कुछ लिख के आ रहा है तो समझ लीजिए आपका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में शामिल नहीं किया गया है। तो दोस्तों ये तो हो गया पहला तरीका, आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि दूसरा कौन सा तरीका है जहां से आप लोग PM आवास योजना में अपना नाम चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको दोबारा से इसी वाली वेबसाइट पर आ जाना है। इसके बाद यहां पर तीसरे नंबर पर आपको एक लिंक दिखाई दे रहा है ट्रैक स्टेटस, और इसके जस्ट सामने ही क्लिक हेयर वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर भी आपको देखिए दो ऑप्शन मिल रहे हैं। सबसे पहला ऑप्शन है बाय नेम, फादर नेम एंड मोबाइल नंबर, और दूसरा ऑप्शन है बाय असेसमेंट आईडी। अगर आपको असेसमेंट आईडी याद है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है,
यहाँ पर आपको अपनी असेसमेंट आईडी डालनी है, मोबाइल नंबर डालना है और सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी यहाँ पर स्टेटस देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर आप लोग अपने नाम द्वारा चेक करना चाहते हैं तो आपको इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ से सबसे पहले अपनी स्टेट का नाम सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ से अपनी डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट करने के बाद अपनी सिटी का नाम सिलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद आप अपना नाम टाइप कर देना है और यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम टाइप करना है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आपने जब भी ऑनलाइन अप्लाई करते समय या फिर आपने जब भी अप्लाई किया होगा तो उस समय आपने जो भी नाम फिल किया था सेम टू सेम आपको वही नाम यहाँ पर फिल करना है, तभी आप लोग यहाँ से इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। नाम को फिल करने के बाद आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर कर देना है और इसके बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इसके बाद आपके सामने कंप्लीट स्टेटस देखने को मिल जाएगा कि आपने जो भी फॉर्म अप्लाई किया था वह अप्रूव हुआ है या फिर रिजेक्ट हुआ है। तो दूसरा तरीका ये हो गया है, आप इस तरह से भी प्रधानमंत्री आवास योजना की लिस्ट में अपना नाम ऑनलाइन ही घर बैठे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको दोनों ही तरीके बता दिए हैं, आप चाहे आधार नंबर से चेक कर सकते हैं और आप चाहे तो अपने नाम फादर नेम और अपने फादर का नाम डाल करके भी चेक कर सकते हैं। बाकी दोस्तों इसके अलावा आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है या फिर डाउट है या फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर हमसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं दोस्तों फिर से किसी एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।